हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं जो कि ओला इलेक्ट्रिक के साइट से निकल के आ रहा है। तो ये अपडेट सुनने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और आप भी काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑफिशियल अपडेट आ रहा है ये ओला की तरफ से निकल के सामने आ रहा है। इसमें मैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपको चार्ज करने के कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनके पास है उनके लिए अपडेट होने वाला है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाइपर चार्ज से चार्ज करते तो आपके लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। जी दोस्तों, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये ओला की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। ट्विटर पे ओला कंपनी ने ट्वीट किया है और भावेश अग्रवाल जो CEO हैं ओला इलेक्ट्रिक के, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके ये अपडेट साझा किया है। मतलब बताया है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप हाइपर चार्ज से चार्ज करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाले हैं। हाँ जरूर, यहाँ पे एक आपको एक और भी मैं बात में बताने वाला हूँ। इसमें एक लिमिट बांधा गया है, एक डेट बांधा गया है कि उस डेट के बाद आपको चार्ज लगेगा। बट अभी तक जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको 6 महीने चार्ज नहीं लगने वाले, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, तो इसको हम डिटेल्स में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्विटर में बताया गया है कि जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके लिए कंपनी ने एक चार्जर लॉन्च किया जिसे हाइपर चार्ज बोलते हैं। तो जो ओला कंपनी है ये पूरे इंडिया में अपने हाइपर चार्ज को लगा रहे हैं। तो अभी तक इनका कहना है कि इन्होंने 4000 प्लस इनको लगाना है, चार्जर लगाना है। तो ये जो कि 2022 तक 4000 प्लस आपको चार्जिंग पॉइंट ओला के देखने को मिल जाएगा, जो कि हाइपर चार्ज बोला जाता है। तो अभी जो कंपनी ने लगाया हुआ है, जहाँ जहाँ पे अपना हाइपर चार्ज लगाया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करते हैं तो आपको 6 महीने कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं देना है। मतलब आपका मतलब फ्री में आप चार्ज कर सकते हैं 6 महीने तक, जो कि जून 2022 तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं। मतलब आप 2022 के जनवरी से लेकर 2022 के जून तक आपको 1 भी रुपये चार्ज पैसे नहीं लगेंगे, चार्ज नहीं लगेंगे चार्ज करने के लिए अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और S1 प्रो को। अब यहाँ पर बात करें तो कंपनी ने बताया है कि आने वाले, जैसा कि आप ट्विटर पर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आने वाले 6 से 8 वीक्स में, मतलब 1 महीने का 4 हफ्ता होता है, तो 8 हफ्ते का हो गया 2 महीना। तो यहाँ पर आपको 2 महीने में, मतलब 1.5 से 2 महीने में यहाँ पर जो चार्जर है ओला की तरफ से वो परफॉर्म करने लगेंगे, वो चार्ज आपको काम चालू हो जाएगा, चार्ज आप वहां से कर सकते हैं। तो यहां पे आपको ये अपडेट देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं यहाँ पे जो जो हाइपर चार्ज है ये आपको BPSL जो भारतीय पेट्रोलियम है वहाँ पे आपको इनके चार्जर देखने को मिलेंगे। साथ ही जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे ये चार्जर लगाए गए हैं जहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ जगहों पे अभी कंपनी लगा रही है, बाकी आने वाले 2022 के एंड तक आपको 4000 प्लस जगहों पे इनका चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ये लगाने वाले हैं। तो यही छोटा सा क्विक सा अपडेट था जिसमें आपको 6 महीने तक कोई चार्ज नहीं लगना है, जून 2022 तक नहीं लगना, फिलहाल अभी तक ऐसा ही कंपनी बता रही है। हो सकता है आगे भी ये फ्री करे, बट जून 2022 तक अभी तक तो फ्री है। जुलाई से फिर आपको, जुलाई के 2022 से वहाँ से आपको हो सकता है कि चार्ज भी लगने लगेगा। तो अभी अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया है, तभी आपके पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो अभी आप अपने घर से या किसी तरह से चार्ज कर सकते हैं। बाकी कुछ हफ्तों में कंपनी जो हाइपर चार्ज है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहां से चार्ज करवा सकते हैं बिल्कुल निशुल्क, फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अपडेट आपको कैसा लगा, और बाकी कोई डिटेल्स और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहां से आप मुझे कॉल भी करके इन्फॉर्मेशन या जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास वो जानकारी होगा तो मैं आपको फोन पे आपको वो डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।